अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मेरे साहब खैरियत से होंगे। तो आज हमारी पहली क्लास ब्यूटेशन कोर्स की पहली क्लास है, जो कि है थ्रेडिंग, चलाना कैसे है थ्रेड जो है वो चलाते कैसे हैं, और इसके अलावा जो है थ्रेडिंग में धागा कौन सा यूज होता है। और मैं दो तरह से धागा चलाना सिखाऊंगी, दो तरह से थ्रेड चलाना सिखाऊंगी, एक पार्लर स्टाइल में, एक होम स्टाइल में। होम स्टाइल में आपको पता है कैंची टैप, और पार्लर स्टाइल में जो मुंह में डालने वाला होता है, ठीक है। तो ये मैं दो टाइप के आपको धागा चलाना सिखाऊंगी, और इसके अलावा मैं आपको आज बताऊंगी कि हम जो है थ्रेड कौन सा यूज कर सकते हैं जब हम प्रैक्टिस करें या फिर हम अपना काम करें, ठीक है। थ्रेडिंग जो है थ्रेड धागा कहाँ से मिलेगा भी हमें कहाँ से, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं देने वाली हूँ। और पहली क्लास हमारी होने लगी है स्टार्ट, तो जिसने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट से सब्सक्राइब कर लें ताकि वो क्लास मिस ना करें। इंशाल्लाह से हम बेसिक टू एडवांस सारी क्लास जो है वो करने वाले हैं, ठीक है। तो आज हम सीखेंगे, पहला हमारा क्या था, कल मैंने आपको क्या बताया था, तो ये सारी चीजें लिख के बताई थी, तो थ्रेडिंग है, ठीक है। आज हमारा थ्रेडिंग क्लास है कि थ्रेड जो है थ्रेड चलाते हैं किस तरह से है, और थ्रेड के धागा कौन सा यूज होता है, ठीक है। थ्रेड के लिए कौन सा धागा मतलब यूज होगा थ्रेडिंग के लिए, ठीक है। और जो है थ्रेडिंग कितने किस्म की होती है, थ्रेड के लिए धागा कैसे चलाते हैं, ठीक है। थ्रेड के लिए धागा जो है मैं आज दो तरीके से आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। तो चलें जी, हो जाए मेरे स्टार्ट। तो आज हमारी पहली क्लास है, पहली क्लास में हम सीखेंगे धागा। और ये नहीं है कि आपने सिर्फ सीखना है, आप मेरे साथ कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, फ्री वाला कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, और इसके लिए आपने क्या करना है, इसके लिए आपने प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि आप मेरे पास तो नहीं है कि मैं आप सबकी प्रैक्टिस करवाऊँ, तो आपने घर पर बैठ कर प्रैक्टिस करनी है। इसलिए मैं छोटी छोटी वीडियो बनाया करूँगी, थोड़ी थोड़ी बनाया करूँगी, और आपको अच्छे से सिखाऊंगी, और नेक्स्ट डे तय करूँगी, टारगेट दिया करूँगी मैं कल क्या बताने वाली हूँ, ठीक है। तो कल मैं जो बताऊँगी वो मैं आपको पहले से बता दिया करूँगी कल मैं क्या बता लूँगी, ताकि आप लोगों का जो माइंड सेट है वो रहे कि हमने कल से क्या करना है। तो आज मैं आपको अपना बताने वाली हूँ धागा। सबसे पहले जो है मैं आपको बताऊंगी धागा जो है हमें कौन सा लेना चाहिए थ्रेडिंग के लिए, ठीक है। तो धागा जो है हमें नॉर्मल नलकी नहीं लेनी है, जो हम जिसे कपड़े शपड़े सिलाई करते हैं, या जिसे हम तरपाई शरपाई करते हैं, या कोई भी कढ़ाई शढ़ाई वाले धागे, ये इस तरह का आपने थ्रेड नहीं लेना है, इस तरह का धागा आपने नहीं लेना है। आपने हमेशा धागा लेना है ये वाला, ये देखिए, ये मैं आपको बता दूँ, ये जो धागा होता है ये थ्रेडिंग वाला होता है, ये स्पेशल होता है थ्रेडिंग के। इसको आप जितना मर्जी खींचे ना, देखें जब आप सिलाई वाला धागा जो होता है ना सिलाई मशीन वाला, वो खींचेंगे तो टूट जाता है। इसको आप खींचे, ये टूटता नहीं है, लेकिन निशान जरूर डाल देता है। ये देखिए आप चेक करें, ये मेरा निशान डाल गया, थ्रेडिंग का धागा ऐसा होता है। और दूसरी बात, ना बहुत पतला और ना बहुत मोटा, जब आपने थ्रेड वाला धागा लेने जाना है तो आपने क्या करना है, आपने ये चीज देखनी है। एक धागा होता है थ्रेडिंग का मोटा मोटा सा, ठीक है, वो होता है आईब्रो मतलब ये जो बाकी फेस थ्रेडिंग के लिए होता है, लेकिन वो बहुत मोटा मोटा होता है। उसमें क्या होता है, उसमें छोटे बाल नहीं आते हैं, उसमें बड़े बड़े बाल आते हैं, जो आपके छोटे छोटे रह जाते हैं वो उसमें बाल नहीं आते। अगर आप चाहते हैं कि आपकी नीट एंड क्लीन जो भी आप थ्रेडिंग करें हो, तो आपने क्या करना है, आपने इस तरह का धागा लेना है, ठीक है। ये देखिए इस तरह का, ये ना बहुत पतला है ना बहुत मोटा है, ये देखिए मैं आपके पास दिखा रही हूँ। थ्रेडिंग के लिए हमें धागा किस तरह का लेना है, इस तरह का। इसको हम जाके बोलेंगे शॉपकीपर को कि हमें थ्रेड वाला धागा दे दे, थ्रेडिंग करने वाला जो धागा होता है ये वाला दे दे, ठीक है। इसमें बहुत सारी किस्में हैं, ये नहीं कि इसी तरह की नलकी होगी, आपको लंबी सी मिलेगी, इस तरह की गोल सी मिलेगी, ये बिना किनारों वाली मिलेगी, वो चीज आपने नहीं देखनी। आपने धागे की ये चीज देखनी है कि थिकनेस कितनी है इसकी, ना बहुत पतला हो ना थिक हो। और आपने जब धागा लेना है, आपने क्या करना है, उसकी डब्बी से निकाल के, तो आपने इस तरह से ऐसे दो तीन बाल देने हैं अपनी उंगली पे, ठीक है, इस तरह से। और फिर आपने क्या करना है, आपने इसको ऐसे खींच के देखना, खींच के, अगर ये नहीं टूट रहा तो ये जबरदस्त धागा है, ठीक है। और अगर इसको आपने पूरा जोर लगा खींचना, और अगर ये खिंच गया टूट गया तो फिर बस समझो कि ये दो नंबर धागा, ठीक है। तो ये धागे की पहचान है, सबसे पहले मैंने आपको धागे की पहचान करवाई है। और ये देखिए मैंने ये आपको दिखाया है, लेकिन ये मुझे निशान पड़ गए, ये देखें निशान पड़ गए, लेकिन ये धागा टूटा नहीं है, ठीक है। इस तरह का ये धागा होता है थ्रेडिंग, ये नहीं है कि ये बोरे सिलाई करने वाला नहीं है, ये थ्रेडिंग करने वाला है। तो इसलिए आपने ये चीज देख कर फिर आपने जो है धागा लेना है, ठीक है। अब सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी होम स्टाइल में धागा चला रहे हैं कि हम घर पे किस तरह से धागा चला सकते हैं, जो कैंची स्टाइल में होता है, और फिर मैं आपको तो बताऊंगी पार्लर स्टाइल में चलाना, ठीक है, कि पार्लर में जो मुंह में धागा चलाया जाता है वो किस तरह से चलाया जाता है, ठीक है।
ये हमारी क्लास वन में मैं प्रीसेप्ट डाल रही हूँ। जो जो न्यू बंदा शामिल हो रहा है, जो जो न्यू लड़की शामिल हो रही है, वो क्या करे, वो सब्सक्राइब कर ले और बेल के आइकन बटन को प्रेस कर ले, ताकि प्रेस करने के बाद जब बेल का आइकन बटन प्रेस करेंगे तो साथ जो है वो बेल का साथ थोड़े से ऑप्शन आएंगे और आपने ऑल वाले पे क्लिक कर लेना, ताकि आपको सारी क्लास की वीडियो जो है मिलती रहे। तो मैं डेली इंशाल्लाह डाला करूंगी, जैसे कि मैंने कल बताया, ठीक है। तो अभी हम मैं आपको बताने वाली हूँ कैंची वाला धागा, ठीक है। कैंची वाला धागे के लिए हमने इतना लेना है कि हमारे दोनों हाथों में जो है बहुत लंबा भी नहीं लेना, बहुत छोटा भी नहीं लेना, ठीक है। इतना लेना है कि हम दोनों हाथों से इजीली कवर कर सकें। ये देखें, ये मैंने इतना सा धागा लिया है, ये मुझे ज्यादा लग रहा है, थोड़ा सा मैं कम करूंगी अपने हाथों के हिसाब से, किसके हाथ लंबे होते किसके छोटे होते हैं, मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। तो इतना सा मैं धागा ले रही हूँ, इसको हमने क्या करना है, ये मैंने डबल लिया, ठीक है। इसका कोना ये देखिए, एक ये वाला कोना इधर है, इसको मैं क्या करूंगी, इसको यहाँ से कर लूंगी कट। ये कैंची वाला धागा बहुत ये वाला इजी होता है, 2-in-1 वाला होता है, लेकिन जो पार्लर स्टाइल में धागा होता है वो थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। इनको इसको हमने क्या करना है, धागे को थ्रेड को हमने जो है हमने इस तरह से इसको गिरा लगा लेनी, ठीक है। ये देखें गिरा लगा लिए। अब ये जो धागा है इससे आप अपना काम कर सकते हैं, ठीक है। जब हमने किसी का काम करना है फिर हम इस धागे से काम नहीं करेंगे, ये जो कैंची वाला, फिर हम जो है मुंह वाले से काम कर सकते हैं, जो हम मुंह में धागे चलाते हैं, तो अपने पे हम मुंह वाला जो यूज नहीं कर सकते हैं। ये जो है इसको हमने सबसे पहले क्या करना है, ये देखें जितने हम थोड़े बाल देंगे उतने मजे के बाल निकलेंगे और बाल टूटेंगे नहीं और बाल ज्यादा पेन नहीं होगा, ठीक है। ये हमने किया धागा और ये देखिए दो हमने बना लिए, ठीक है। जब आपने इधर से बाल निकालने हैं तो आपने क्या करना है, जब आपने इधर से बाल निकालने हैं तो आपका इधर वाला स्पेस ज्यादा होना चाहिए, आपने आपके ये वाले जो हाथ है ये देखिए आपको नजर आ रहा है, ये वाला हाथ है ये हमारा क्लोज है ना, हमने यहाँ से बाल निकालना है, फॉर एग्जाम्पल ये देखें ये, तो हमने क्या करना है, हमने इस हाथ को ऐसे खोलना है, ये देखें ये, ठीक है। ये अगर ना समझ आए मुझे कमेंट में बताएं कि आप ये हमें समझ नहीं आया, मैं दोबारा से समझा दूंगी, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, ये देखें जब हमने इधर से बाल निकाले, फॉर एग्जाम्पल हमने ये रखा हुआ ये और हमने बाल निकाले, तो हमने इसको ऐसे करना है, ठीक है। तो ये हमारे इधर वाला ये जो क्लोज होता जाएगा और ये खुलता जाएगा, तो बाल हमारे इस चूड़ी के बीच में आते जाएंगे। और जब हमें इधर वाले से निकालने हैं फॉर एग्जाम्पल ऐसे, तो फिर हमने ऐसे करना है, ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे, ये देखें ऐसे, ठीक है, ये देखें ये देखें ऐसे, ठीक है। ये ऐसे चलता है, ये अपने पुलिस करने के लिए काम आता है, अपना फॉरहेड करने के काम आता है, अपना फेस करने के काम आता है, ये धागा खुद के लिए भी आता है, बाकियों पे भी आप कर सकते हैं, लेकिन प्रोफेशनल लगना चाहते हैं तो फिर आप मुंह वाला धागा सीखें। अगर आप किसी जगह जॉब जाके करना चाहते हैं, आप किसी जगह जाके प्रैक्टिस करना चाहते हैं, फिर आप मुंह वाला धागा सीखें, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं कैंची वाला धागा। देखें फिर से मैं बता रही हूँ, ये देखें ये एक हाथ हमने खोला हुआ है, एक हाथ हमने बंद किया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, जो बंद किया हुआ है हमने उसमें अपने बाल नहीं रख रहे हैं, हमने फॉर एग्जाम्पल पॉलिश कर रहे हैं या हम फॉरहेड कर रहे हैं, तो हमने बाल उसमें रखने हैं जो हमारा हाथ खुला हुआ है, ठीक है। मतलब जिसके जिस होल के अंदर स्पेस ज्यादा है इसके अंदर हमने बाल रखने हैं, हमने बाल रखने हैं, और ये वाला जो हाथ है बाल रखने के बाद हमने क्या करना है, इस वाले को खोलना, इस वाले को बंद करते जाना, तो ये क्या हो जाएगा, बाल आपके यहाँ से निकलते हुए आ जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको लगे कि ये धागा ज्यादा बड़ा है तो आप इसको थोड़ी सी गिरा लगा के और छोटा कर सकते हैं, कोई इतना डर नहीं, आपके हाथ जो है ना वो बीच में सही तरह से फंसने चाहिए। देखें मैं आपको छोटा करके भी दिखा रही हूँ, देखो मैंने इतना छोटा किया, ठीक है, इतना छोटा कर दिया है, और फिर से मैं आपको बता रही हूँ, ये देखें ये आपने धागा लिया। मैं नेक्स्ट वाले बताती हूँ, मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ, समझा रही हूँ, क्लास दे रही हूँ, इसलिए मैं आपको बार बार रिपीट कर रही हूँ, ताकि आपको किसी की कोई जो है वो डाउट ना रहे कि हमें समझ नहीं आई है ये क्या नहीं, ठीक है। और कमेंट में आपने लाजमी मुझे कमेंट करना है कि आपकी हमें समझ आई है या नहीं समझ आई है, ठीक है। तो ये देखें फिर से मैं बता रही हूँ, ये देखें हमने ये लेना, हमने बाई की तरफ हमने एक बाग की तरफ पकड़ कर रखा और एक साइड से हमने ऐसे किया और हमने बाई की तरफ बाल देनी है, बाई की तरफ हमने, ठीक है, ये देखें ये बाल दिए और हमने अपनी स्पेस जगह के हिसाब से रखना है कि हमने पॉलिश करना है, हमने फॉरहेड करना है, क्या करना है, ये देखें ये थी ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे ये धागा चलता है, या एक जिधर वाली होल जिधर से हमने बाल निकालने हैं वो होल हमने ऐसे करेंगे और फिर बाहर रखेंगे, आई आई मेरे सर के गए हैं, वो हम बीच में रखेंगे और फिर ऐसे करेंगे, ये देखें ऐसे, ठीक है, ऐसे मैं अपने नहीं निकाल रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। इस तरह से हमने बाल जो है इसके अंदर रखने हैं, इस तरह से ये और ये
ठीक है, इस तरह से जो जिसका ज्यादा होल होगा उसके अंदर हमने बाल रखने हैं। और बालों का हमने रुख देखना है, वो रुख वाली मैं बात कल को आपको बताऊंगी, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कैंची वाला धागा। अगर आपको समझ आई तो लाइक करें, अगर नहीं समझ आई तो कमेंट करें और मुझे बताएं कि मैं समझ नहीं आई, मैं फिर समझा दूंगी, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अभी मैं बता रही हूँ मैं आपको मुंह में डालने वाला धागा, के मुंह में डाल के हम धागा किस तरह से चला सकते हैं। ये मैं थ्रेडिंग के लिए क्लास दे रही हूँ, डे वन है आज हमारा, और क्लास जो हमारी थ्रेडिंग की है कि धागा कैसे चलाया जाता है, थ्रेड कैसे चलाया जाता है। तो अब हमने क्या करना है, देखो जब हमने मुंह में डालना, हमने के सबसे पहले क्या करना है, ये पार्लर स्टाइल है। ठीक है, हमने इसको क्या करना है, सैलून स्टाइल, पार्लर स्टाइल, ब्यूटी जोन स्टाइल, कुछ भी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये देखे आपने इस तरह से एक गिरा लगा लेनी है, फिर इस गिरा को आपने दांतों के अंदर फंसा लेना है। ठीक है, ये आपने दांतों के अंदर गिरा फंसा लेनी है ताकि आपका धागा बार बार गिरे ना। ये मैं दूसरा बता रही हूँ, ये देखें इस तरह है। ठीक है, और ये देखें, ये डालना। ठीक है, उतना हमने रखना है, फिर ये देखें ये, और फिर यहाँ से हमने ये किया ये, और यहाँ से ऐसे वायर की तरफ हमने वायर देनी है। ठीक है, ये देखें ऐसे, ये हमने थोड़ा सा वायर देनी, और फिर हमने ये जो अंगूठा पकड़ा ये हमने छोड़ देना, और ये जो है हम थोड़ा सा इसके ऊपर लपेट लेंगे, और फिर ये देखें ये, ठीक है, ये इस टाइम हमें धागा चलाना है। ठीक है, और आप कोई भी वो रहने कोई भी चीज जिसके ऊपर आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, इस तरह से आप कापी रह लें, आप कोई डब्बा रह लें, आप कोई भी चीज रह लें, और एक मिनट मैं आपको बताती हूँ, डब्बा ला के मैं डब्बे पे बताती हूँ, कोई भी डब्बा ले लें, कोई आप देश की पुट्ठी मार लें, देश की उल्टी कर लें, आप छोटी सी छोटी डेस्कियाँ आती है ना उसको उल्टी कर लें, आप कटोरी उल्टी कर लें, उनके ऊपर उल्टा करके करके उसके ऊपर आप जो है प्रैक्टिस करें। ये डब्बा लिया, मतलब आपके पास कोई भी स्मूथ सी चीज़ है जो स्ट्रेट सी, तो आपने क्या करना है, आपको मैं बता रही हूँ, जैसे कि आपने धागा लिया मुँह में घीरा के साथ, ठीक है, तो आपने धागा लिया मुँह में और घीरा लगा के, और फिर आपने क्या करना है, फिर आपने बाल देने हैं, बाल थोड़े देने हैं, बहुत ज़्यादा नहीं देने हैं, और फिर आपने क्या करना है, आपने जो है ये रखें ऐसे, और फिर आपने प्रैक्टिस करनी कई चीज़ रख के। ठीक है, ये रखें इस तरह से, और फिर आपने क्या करना है इसका, ये रखें ये और ये आपने ऐसे करना है, मुँह से मुँह को खींचना है, और यहाँ से इसको खींचना है, और यहाँ से इसको खींचना है। ठीक है, अगर नहीं समझ आ रही तो मैं कल दूसरी क्लास भी इसके बारे में दे दूंगी, लेकिन आपने मुझे कमेंट करके बताना है, अगर मुझे कुछ सिखा रही हूँ तो आप लोगों को समझ भी आए। ठीक है, तो अभी आपने गौर करना है, मैं मुंह में डाल रही हूँ और फिर मैं आपको बता रही हूँ। ये डाला और दोबारा से ये देखूंगे, ये देखो ये, ठीक है, ये 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 बस यहाँ छोड़ दिया, यहाँ से यहाँ छोड़ दिया, और ये ठीक है इसका, ये देखें ऐसे, इससे हमने क्या करना, मुंह से हमने ये खींचा, इससे हमने डुबाया, इसको हमने क्लोज किया, ये देखो, फिर हमने छोड़ना कैसे, ऐसे ये फिर ये, ठीक है, ये देखो इधर से डुबा रही हूँ, इधर से क्लोज कर रही हूँ, मुंह को खींच रही हूँ, ये ठीक है। इस तरह से आप मुंह वाला धागा चला सकते हैं, और आप कैसे प्रैक्टिस करते हैं, सबसे पहले आप कोई भी बर्तन उल्टा कर लें जिसमें थोड़ा सा डिंगा मिंगा सा हो, बर्तन उल्टा कर लें, उसके ऊपर कर लें आप गिलास ऐसा रहा लें, उसके ऊपर थोड़ी सी वो करें, इसके पहले आपने बार बार खोल खोल के मुंह में डालना है, फिर ऐसे ये रखें ये 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 और फिर ये, और फिर आपने ये मुँह का खींचा, इसका हमने नीचे किया, इसका हमने ऐसे किया, ठीक है ये ठीक है। इस तरह से हमने प्रैक्टिस करनी है, जब आपको फील हो गया कि आपका ये धागा आपको पकड़ना आ गया, आपको ये चलानी आ गई है, ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना, आप किसी के कोई आपकी बहन है, कोई भी है, अम्मी है, कोई भी है, उसको उनकी बाजू पर प्रैक्टिस करें आस्ते आस्ते करके, ठीक है। अगर नहीं है आपके पास कोई अवेलेबल नहीं है तो आपने क्या करना है, आप अपनी टांगों पे प्रैक्टिस करें, ठीक है, आप अपने टांगों पे प्रैक्टिस करें, क्या है अगर बाल बहुत बड़े हैं आपके तो उसको बालों को पहले काट लें, फिर उसके बाद प्रैक्टिस करें, क्योंकि
कुछ करने के लिए, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो अपने बाल आपको खोने पड़ेंगे, अपनी टांगों के बाल खोने पड़ेंगे। तो उनके लिए, उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए आप अपनी टांगों पर प्रैक्टिस करें, या आप किसी का भी डायरेक्ट आपने किसी की अपर लिप्स या आपने किसी आईब्रो या किसी आपने माथा नहीं उड़ाना, अलग का वास्ता है। आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले खुद से प्रैक्टिस करनी है। ये प्रैक्टिस आप 24 घंटे आपके पास हैं, ठीक है, आपने प्रैक्टिस करनी, थोड़ी थोड़ी देर बाद प्रैक्टिस करनी है। धागा कोई भी जब आप करते हैं, आपके पास ये थ्रेड धागा नहीं है, जरूरी है अभी आप जाके लें ये, तब आपको ज़्यादा ज़रूरत इसकी होगी जब आपने दूसरों पे काम करना शुरू करना है। जब आप सीख रहे हैं तो आपके पास ये रवि धागा है ना, फिर उठा लें नल की, तो उसे आप ये कोशिश करें, ये है कि वो बार बार टूटेगा, लेकिन आपने क्या करना है, तंग नहीं पड़ना, ठीक है। तो अगर आपके पास इस तरह का धागा है तो फिर तो सोने पर सुहागा है। तो आपने जो है इस तरह का धागा लेना है। अगर आपको समझ नहीं आई, मैं एक दफा दोबारा से बता रही हूँ आपको, ये देखें, ये ठीक है, ये देखें, ये ठीक है, और ये छोड़ दिया, और ये देखें छोड़ा सा यहाँ से, फिर ये मुंह को खींचा, इसका वंड कर लिया, इसको खींचा, ये देखो, ये समझ आई है, समझ आ गई है। तो वीडियो करें लाइक शेयर सारा, अगर आप न्यू है तो चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखें अपना बहुत सारा ख्याल, मुझे रखें दुआ में याद। नहीं 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 नहीं, रुके, मैंने आपको बताया था कल मैं क्या सिखाने वाली हूँ। आज मैंने आपको सिखाया धागा कौन सा यूज करना है, कैंची वाला धागा किस तरह से चलाते हैं, और मुंह वाला धागा किस तरह से चलाते हैं, ठीक है। ये आपको नहीं समझ आई, आप वीडियो बार बार रिपीट करके देखें, आपको समझ आ जाएगी। और कल इंशाल्लाह मैं आपको सिखाऊंगी अपर लिप्स करना, कि हमने अपर लिप्स से आपने प्रैक्टिस करनी है पूरी दिन, पूरा मतलब रात जब भी आपको टाइम मिले, उसके बाद हमने जो कल हमने क्या करना है, कल हम अपर लिप्स सीखेंगे, अपर लिप्स के बाल जो किस साइड को, तो हमने उसका रुख कैसे देखना होता है, कैसे बाल निकालने होते हैं। कल हम अपर लिप्स के बारे में प्रॉपर मैं गाइड करूंगी कि अपर लिप्स हम किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए कल के लिए मुझे कर लेना सब्सक्राइब, और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक रखें अपना बहुत सारा ख्याल, और मुझे रखें दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।